हाय फ्रेंड्स, मैं केएल मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केएलएम कीबोर्ड प्रैक्टिस पर। आज हम संगम फिल्म में मुकेश जी का गाया हुआ गाना दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा, तो ये गाना आज हम तैयार करेंगे। इसमें दो स्वर लग रहे हैं, मध्य शतक में पा और धा, मध्य शतक में सा रे दोनों गा, मा पा दोनों धा, फिर नी कोमल तार शतक में सा। गाना शुरू हो रहा है मध्य शतक के सा से, तो शुरू करते हैं। ये इसका मुखड़ा था, तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सा सागा दोस्त दो, तो सा सागा दोस्त दोस्त ना रहा, रेगा रेगा प्यार प्यार, रे सारे प्यार प्यार, प्यार तक यहां है, फिर र इधर आएगा, रु गा पर आएगा और ना जो है मागा रेसा रहा सासा। इसके बाद जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, तो वो यहां इससे कर्ण लेके सा का पा पे जाना है, जिंद जिंद सापा पा द गी, गी के लिए धा सा धा पा गी, हमें तेरा मामा गामा, यहां गा शुद्ध है, ए ए सामा सामा ए तुबा तो भी मां पर आएगा, बा जो है पा नी पा मा, बा ना रहा गा गा रे गा, फिर एतबार ना रहा दोबारा, एत रे साधा एत बा जो है साधा गा रे, बार ना रहा सा 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 सा। इसके बाद मुखड़ा तो ये कंप्लीट होता है, इसके बाद है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड जो है वो सागा धापा, सागा धापा करके थोड़ा इस पे ठहराव है पा के ऊपर, उसके बाद फिर सागा धापा, फिर सागा धापा, फिर उसके बाद गामा रेगा, गामा रेगा करने के बाद धापा मांगा, धापा मांगा के बाद फिर वही सागा धापा, और इसके बाद जो है ये इंटरल्यूड कंप्लीट है। अब आते हैं हम इसके अंतरे पर, तो अंतरे में अमानते में प्यार की, अमानते में प्यार की पाधा मापा गामा रेगा, अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप, अभी वो मेरे दोस्त नीनी धानी, वो मेरे दोस्त नीनी धानी धसा, वो मेरे दो दो तक यहां आएगा, स्त तुम स्त स्त जो है वो धा पर आएगा, स्त तुम ही थे पापा, तुम ही तो थे थानी पापा, अब ये तुम ही तो थे करने के बाद एक अभी आता है एक फिलर, और वो फिलर है पासा सागा सा,
सा सागा सा। उसके बाद जो है अच्छा, उसके बाद आगे है सारे भेद खुल गए। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये मुखड़े का ही सेम दोस्त दोस्त ना रहा, वही है। सिर्फ इतना फर्क कर सकते हैं कि सारे भेद को पा से कर्ण लेके ऐसे भी कर ले, सारे भेद वो भी ठीक है, लेकिन कर्ण ले लो सारे। तो कंप्लीट होता है। उसके बाद एक छोटा सा फिर इंटरल्यूड है और उसमें पा, फिर उसके बाद धा कोमल और फिर पा। अब की बार दूसरी लाइन में पा धा मा, धा के बाद पहले पा आया था अब मा। उसके बाद फिर है इसी लाइन में फिर मा रे पा मा, फिर रे गा। ये सारे नोट्स ऊपर लिखे हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है धा पा गा रे, धापा गारे करने के बाद में फिर वही सागा धापा, और सागा धापा करके ये जो है कंप्लीट होता है। तो इसको दो बार बजा सकते हैं, जो यही बजाया है इसी को दो बार बजेगा, लेकिन है बस यही नोट्स है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये जो है अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप करिए प्रैक्टिस, तैयार करिए गाना, और हम मिलते हैं अगले गाने के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।